वाह क्या बात है, आज तो बाहर घूम के बहुत ही मजा आ गया। कितने दिनों बाद मेरा माइंड फ्रेश हुआ है, पर अभी जल्दी से मुझे घर पर जाना होगा। मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। स्पाइडरमैन ने मुझे अपने सारे सूट ला के दिए थे ताकि मैं उन्हें अपग्रेड कर लूं। मुझे जल्दी से उस पर काम चालू करना पड़ेगा। नीचे अपने गोडाउन में जाता हूँ, वो सूट वहीं पर पड़े हैं। उन पर ऐसा काम करूंगा कि स्पाइडरमैन खुश हो जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या, वो सूट कहाँ पर गया? और बाकी के सूट भी यहाँ पर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उन्हें वहीं पर रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलती से नीचे रख दिए हो? एक काम करता हूँ, वहाँ पर भी जाके चेक कर लेता हूँ। अरे नहीं यार, यहाँ पर भी बस मेरे ही सूट है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि स्पाइडरमैन के सूट कहाँ पर गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उन्हें चोरी कर लिया हो? स्पाइडरमैन मुझ पर बहुत गुस्सा होगा, उसने मुझे बहुत भरोसे से वो सूट दिए थे। अब मैं क्या करूंगा, वो सूट तो यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर तो बस विजन सो रहा है, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। एक काम करता हूँ, स्पाइडरमैन को फोन करता हूँ। हेलो स्पाइडरमैन, मेरी बात सुनो। हाँ बोले टोनी, क्या हो गया? मुझसे गड़बड़ हो गई है। ऐसा भी क्या हुआ है? वो मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता, तुम्हें यहाँ पर आना होगा। अरे पर ऐसा भी क्या हो गया? मैंने तुम्हें कहा ना, पहले यहाँ पर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चलो अभी फोन रखता हूँ। पता नहीं क्या हुआ होगा, मैं तो यहाँ पर पेट्रोल भराने रुका था। चलो कोई बात नहीं, ये वाला काम तो हो गया है। एक काम करता हूँ, टोनी के घर पर चला ही जाता हूँ, उसे मेरी मदद की जरूरत है। पक्का कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई होगी, और इसी बहाने मैं वहाँ से अपने सूट भी ले लूंगा। अभी तक तो टोनी ने अपग्रेड कर ही लिए होंगे, तो जल्दी जल्दी गाड़ी को भगाता हूँ। मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, पता नहीं मेरे नए सूट कैसे होंगे। मैं बस कुछ ही देर में पहुँचने वाला हूँ, मुझे टोनी को थैंक यू भी बोलना है। चलो आखिरकार उसका घर आ ही गया। गाड़ी को कहाँ पर पार्क करूँ, एक काम करता हूँ यहीं पर कर देता हूँ, और जल्दी से उतर के जाता हूँ अंदर। वो पक्का अंदर ही होगा। सबसे पहले तो मुझे उसे पूछना है कि ऐसा भी क्या हो गया जो वो फोन पर नहीं बता सकता था। वो रहा टोनी। ए टोनी, मैं आ गया हूँ, बताओ अभी क्या हुआ? तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे थे? मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। सब कुछ सही तो है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? तुम सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाओगे। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे के सारे सूट चोरी हो चुके हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? सही बोलो, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे फालतू का टेंशन मत दो, वैसे ही मुझे बहुत सारे काम है। अब जल्दी से बताओ मेरे सूट कहाँ पर है, मैं उन्हें लेके निकलता हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कहा ना तुम्हारे सारे के सारे सूट चोरी हो चुके हैं। पर चिंता की बात नहीं है, उन सब में एक चिप लगी हुई है जिससे मैं उन्हें ट्रैक कर सकता हूँ। और मुझे पता लगा है कि जिसने भी वो सूट चुराए हैं, उसने उन्हें अलग अलग जगह पर बेच दिया है, और वहाँ पर उनकी नीलामी होने वाली है। इससे पहले कि उनकी नीलामी हो, तुम्हें वहाँ पर पहुँच के वो सूट लेने होंगे। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत ही बुरा हो गया, मुझे अभी निकलना होगा। तुम मुझे सारी लोकेशन भेज देना, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है। जल्दी से जाके अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, पक्का कोई बड़ा मुजरिम ही होगा, वरना टोनी के घर पे चोरी कौन करता है? वो आयरन मैन है, इतनी हिम्मत तो मुझमें भी नहीं है। मुझे बस जाके वो सूट ढूंढने हैं, पर मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा? टोनी मुझे कुछ ही देर में लोकेशन भेज देगा। अरे वाह क्या बात है, मुझे सूट की लोकेशन आ गई है, पर ये वाला तो सबसे सस्ता सूट है। चलो ये तो और भी अच्छी बात है, सबसे पहले यही जाके ले लेता हूँ, इसमें खतरा भी कम होगा। वो लोकेशन तो यही कहीं की है। अरे ये क्या, यहाँ से मुझे राइट लेना है। पर एक काम करता हूँ, गाड़ी को बाहर ही रुका देता हूँ। पता चला अंदर कोई क्रिमिनल है तो उसे पता चल जाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये तो GTFI की सबसे गरीब जगह है, यहाँ पर तो सारे भिखारी रहते हैं। अब वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, वो लोकेशन सही आ रही थी या फिर वो चिप खराब हो गई है। मेरा सूट यही कहीं पर होना चाहिए। अरे ये क्या, यहाँ पर एक जन खड़ा है। एक काम करता हूँ, इससे जाके पूछता हूँ। अरे अंकल मेरी बात सुनो, मुझे आपसे थोड़ा सा काम है, मुझे आपसे एक चीज चाहिए थी। यहाँ पर मेरा एक सूट होना चाहिए, मैं स्पाइडरमैन हूँ। अच्छा तुम उस सूट की बात कर रहे हो क्या? वो तो मैंने $1 में खरीदा है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता, मैं पहले से ही बहुत गरीब हूँ। अगर तुम्हें वो सूट चाहिए तो तुम्हें मुझे $1,000 देने होंगे, वरना उस सूट को भूल जाओ। ये तो बहुत गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, इतने पैसे तो मैं दे ही सकता हूँ, जल्दी से मुझे वो सूट ला के दो। ये हुई ना बात, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम एक गरीब की मदद कर रहे हो, याद रखना मेरी दुआ लगेगी तुम्हें। वो सब तो ठीक है, पर पहले मुझे मेरा सूट दिखाओ, तभी मैं पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ फिर मेरे पीछे पीछे, तुम तो बहुत शक्की लगते हो। अरे बाप रे, इस आदमी की तो हालत खराब लग रही है, इसे पैसे देके मैं अच्छा ही काम करूंगा, इसका कुछ तो भला होगा। बेटा मेरे पीछे आ जाओ, वो सूट यही पर रखा हुआ है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था ना? पर याद रखना, जैसे मैं सूट बताऊंगा तुम्हें पैसे देने होंगे। ये देखो वो रहा तुम्हारा सूट ठीक सामने, अब जल्दी से पैसे निकालो। अच्छा ठीक है, मैं आपको पैसे देता हूँ, अब चिंता मत करिए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा। गाइज मुझे जल्दी से इस आदमी को पैसे देने होंगे। ये लो अंकल, आपके पूरे के पूरे $1,000, आपका भी काम हो गया और मेरा भी हो गया। अब जल्दी से जाके ये सूट पहन लेता हूँ। चलो एक सूट तो मिल गया। चलो थैंक यू अंकल, मैं निकलता हूँ यहाँ से, आप अपना ध्यान रखना। $1 ही सही, पर ये सूट तो सूट है ना, इससे मेरी बहुत मदद होगी आगे के सूटों को हासिल करने में। अब यहाँ से निकलता हूँ। पीटर तुम्हें कुछ मिला या नहीं?
वो सूट मैंने पहन रखा है, अब बाकी है बाकी के दो सूट। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आगे की लोकेशन भेजता हूँ। अच्छा ठीक है। तो फाइनली टोनी ने लोकेशन भेज दी है और वो इस जगह की है। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा महंगा वाला सूट होगा, जल्दी से नीचे जाके देखता हूँ। मुझे पहले जाके चेक करना होगा, पता नहीं यहाँ पर कौन सा वाला सूट है। अरे नहीं, यहाँ पर तो गुंडे लोग है और ये तो मेरे सूट की नीलामी कर रहे है। इन दोनों को तो मैं जानता हूँ, ये दोनों तो माफिया है और चारों बाजू इनके गुंडे है। इन्होंने तो अच्छी खासी फील्डिंग लगा के रखी है। अब मैं यहाँ से अंदर तो नहीं जा सकता, अगर इन्हें पता चला तो ये सूट को बर्बाद कर देंगे। सुनो मेरी बात, ये स्पाइडरमैन का सूट हमें मिला है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसके लिए $1,000,000 देने होंगे। अगर तुम इतना पैसा दे सकते हो तो ये सूट तुम्हारा, अगर नहीं दे सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं नहीं, मैं इस सूट का पैसा देगा, तुम जितना बोलेगा उतना देगा, पर डिलीवरी तुम्हें करनी होगी, मैं तुम तक पैसा पहुँचा देगा। अच्छा ठीक है, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, ये सूट मैं तुम तक पहुँचा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं निकलता यहाँ से, पर ध्यान रखना अगर सूट को कुछ भी हुआ ना तो पैसा नहीं देगा मैं। चलो अब निकलता यहाँ से, पंटरो टाइम आ चुका है, चलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं, मुझे जाके कहीं पर छुपना होगा, वो तो इसी साइड आ रहा है। एक काम करता हूँ, ऊपर जाके छुप जाता हूँ। ये लोग तो उस सूट की डिलीवरी करवाने वाले हैं, मुझे इंतजार करना होगा। ये रहा मेरा सूट, इन्होंने उसे ट्रक में डाल दिया है। चलो आखिरकार इन्होंने मुझ तक सूट पहुँचा ही दिया, अब इस सूट को लेकर निकलता है अपन यहाँ से। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, मेरा पैसा भी ले लेंगे और मेरे को सूट भी नहीं देंगे, इससे अच्छा निकल लेता यहाँ से, अब मैं भी स्पाइडरमैन बनेगा। अरे नहीं नहीं, वो तो यहाँ से निकल गया, मुझे जल्दी से जल्दी उसका पीछा करना होगा, इससे पहले कि वो बहुत दूर निकल जाए। फटाफट निकलता हूँ यहाँ से, पहले तो मुझे इन गुंडों को ठिकाने लगाना होगा, ये मेरा सूट कैसे बेच सकते हैं। ये लो, पहला माफिया तो गया, अब इसके चमचों की बारी, ये खाओ और अब तेरी बारी है, ये ले और ये ले। तुम लोग मुझसे मेरा सूट कैसे चुरा सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी टोनी के घर से, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और ये भी गया, अच्छा हुआ सूट मैंने पहले ही ले लिया था, अब इसको नहीं छोड़ूंगा। ये खा और ये खा, यहाँ पर भी एक है, तू भी नहीं बचेगा, तुम सारे क्रिमिनल हो, तुम सबको सजा मिलेगी। तू कहाँ पर भागता है, यहाँ पर आ। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आ गया था, अब इसके पास भी जाता हूँ। अरे अरे, तू गोली मार रहा है, ये ले और ये खा, अब तो कुछ मारने के लायक नहीं रहेगा। चलो मुझे लगता है मैंने इन सबको निपटा दिया है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए वरना मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा, वो गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मुझे जल्दी से जल्दी उसका पीछा करना है। फटाफट निकलता हूँ यहाँ से, वो तो अच्छा था कि मैंने उस गाड़ी पर ट्रैकर लगा दिया था, अब मुझे पता है कि वो गाड़ी एग्जैक्ट कहाँ पर है, मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा। वो रही, मैंने कहा था ना ये मुझसे नहीं भाग पाएगा, कहाँ तक निकलेगा मुझसे आगे, अब जाके इसे रोकता हूँ। अरे नहीं, ये तो मुझे टक्कर मार के आगे निकल गई। चलो कोई बात नहीं, इससे मेरा कुछ नहीं होगा, वो सूट इससे भी एडवांस है, मुझे कैसे भी करके वो लेना होगा। वो जा रही है, अब नहीं भाग पाएगा। अरे नहीं, ये क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसके काफी ज्यादा नजदीक हूँ, अब जाके इसे रोकता हूँ। एक काम करता हूँ, उससे आगे जाता हूँ और आगे जाके रोकता हूँ। रुक जाओ, तुम यहाँ से आगे नहीं भाग सकते। अरे बाप रे, मैं तो पीछे हो गया हूँ, फिर से आगे जाना होगा, जल्दी 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 जल्दी। और ये मैं चला, कहाँ तक भागेगा मुझसे, मैं उसे पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये लास्ट बार होगा। और ये वो रहा मेरा सूट, मुझे दिखाई दे रहा है, जल्दी से जाके इसको बाहर निकलता हूँ, इससे पहले भागे, अभी कभी बाहर निकलो। अबे तू कौन है बे, तूने मेरे को गिराया कैसे, अभी तेरे को बताता है। तू क्या मेरे को बताएगा, ये ले और ये ले। तुम लोगों की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए मेरा सूट चुराने की, फिर भी तुमने ये जरूरत थी, अब तुम्हें पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। ये खाओ और ये खाओ, तुम जैसे माफिया की तो मैं बैंड बजा दूंगा। ये तो ज्यादा स्ट्रांग है या फिर ये सूट काफी ज्यादा कमजोर है। चलो क्या उड़ा है, और ये ले ये खा एक बार और। तू कितना भी स्ट्रांग हो, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला, अब मेरे ड्रोन तुझे मजा चखाएंगे। क्या झटके खा रहा है ये, इसकी तो बाट लगते ही जा रही है, अब ये कभी भी कुछ चुराने की हिम्मत नहीं करेगा, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अब ये ले, अरे बाप रे, मेरे स्विंग उसके टकले में फंस गए थे। और ये ले, अब तो तू गया, कब तक बचेगा मुझसे। इससे बाकी माफियाओं को सबक मिलेगा कि कभी सुपर हीरो के साथ पंगा नहीं लेते। चलो इसका काम तो तमाम हुआ, अब मुझे जल्दी से आगे निकलना चाहिए, जाके वो वाला सूट पहन लेता हूँ, उससे मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। ये रहा वो सूट, अब बारी है इसे पहनने की, तो जल्दी से पहनते हैं। वाह स्पाइडरमैन, तुमने तो कमाल कर दिया, अब बस एक सूट से दूर हो तुम, तुम्हें जल्दी से जल्दी वो सूट भी लेना होगा, उसकी लोकेशन मैंने तुम्हें भेज दी है, याद रखना उसे लेना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, वैसे अगर मैंने पहला सूट $1,000 में खरीदा था तो इसका प्राइस $1,000,000 है, मुझे लगता है आगे वाला सूट वो $100,000,000 में बेचेंगे, तो मुझे जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचना होगा, वैसे वो लोकेशन काफी ज्यादा दूर है। एक काम करता हूँ, इस कार पर बैठ के जाता हूँ, वैसे भी मैं थोड़ा सा थक गया था, सुबह से काम कर रहा हूँ। तुम इतने स्लो कैसे हो गए, तुम्हारी लोकेशन मुझे आती है, तुम्हें पता तो है ना। मैं तो बस थोड़ा सा आराम कर रहा था, पर तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, वो जगह मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। अरे ये क्या, ये तो बहुत देखा देखा सा लग रहा है, ये तो एयरपोर्ट है, पर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पक्का कोई बड़ी सी डील होने वाली है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने सूट को ढूंढना होगा, वो यही
ऊंचाई पर होगा, मुझे उसके सिग्नल आ रहे हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ ऊपर चढ़ जाता हूँ, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। इन सीढ़ियों की मदद लेता हूँ, अगर स्विंग करते हुए गया तो उन्हें पता चल जाएगा। जल्दी जल्दी चढ़ना होगा मुझे, चलो इतना ऊपर तो आ गया हूँ मैं, अब यहाँ से अपने सूट को ढूंढता हूँ। अरे ये क्या, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ से तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वाह क्या बात है, सोने पे सुहागा, यहाँ पर तो एक स्नाइपर रखी हुई है, ये मेरे काम में आएगी। एक काम करता हूँ, जल्दी से इसे उठा लेता हूँ, अब मैं भी देखता हूँ वो मुझसे कैसे बचता है। मेरा सूट तो मैं लेके ही रहूंगा, जल्दी से जूम करता हूँ। अरे नहीं, यहाँ पर भी नहीं है और इस प्लेन में भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक काम करता हूँ, दूसरे प्लेन में देखता हूँ, नहीं इसमें भी नहीं है। ये पूरी जगह तो वीरान पड़ी है, पक्का यह पहले कुछ तो हुआ था। कहाँ जा सकता है मेरा सूट, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग इसे यहाँ से ले गए। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसके सिग्नल तो यही से आ रहे थे। नहीं नहीं वो रहा, आखिरकार मैंने उसे ढूंढ भी लिया है, पर उसके आगे तो एक और माफिया है और ये तो बहुत खतरनाक वाला है। इन लोगों ने मेरा सूट चुरा लिया और वो भी सबसे महंगा वाला, एक एक करके सबको उड़ा दूंगा। चलो पहला तो गया, अब बारी है दूसरे की और अब इसकी, ये भी गया और ये भी गया, और अब तेरी बारी है। स्नाइपर की जय हो, इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया। और कोई बचा है यहाँ पर, चलो कोई नहीं है, अब जल्दी से जाके अपना सूट ले लेता हूँ। मेरे प्यारे सूट में आ रहा हूँ, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अब जल्दी जल्दी जाके वो सूट पहन लेता हूँ, वही मेरे लिए ठीक रहेगा, कितना प्यारा सूट है। तो जल्दी से सूट के लिए लाइक कर दो, चलो मैं और टाइम पास नहीं करता हूँ। अरे ये क्या, यहाँ पर तो थोड़े बहुत और गुंडे हैं। कोई बात नहीं, इन्हें तो मैं बड़ी आसानी से निपटा लूंगा। इन्हें नहीं पता कि इनका सामना स्पाइडरमैन से है, मेरे ड्रोनिंग की हालत खराब कर देंगे। वाह क्या झटके मारे है इसको, अब उसकी बारी। सच में ड्रोन कमाल के है, मेरा सबसे बेस्ट हथियार। अरे ये क्या हो गया मेरी बॉडी को, मेरे हाथ हिल क्यों नहीं रहे हैं। मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा सा शॉक लग गया था, इसलिए ऐसा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो और गुंडे आ रहे हैं, अब होगी इनकी धुलाई। इन्हें पता चलेगा कि ये सूट किसका था और इन्होंने ऐसी हिम्मत करने की कोशिश की उसका क्या अंजाम होता है। और कोई बाकी है तो आओ मेरे सामने, ये रहा, ये देखो कहाँ पर छुप रहा है, अनपढ़ गवार कहीं का, यहाँ से तो मुझे बार बार दिखाई दे रहा था। अब खा बेटा झटके, इसका तो ब्रेक डांस हो गया और ये फिनिश। फिर से अपने सूट के पास जाता हूँ, इन लोगों की वजह से मेरा बहुत टाइम गया, पर कोई बात नहीं, आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। अब बारी है इस सूट को पहनने की, अगर आप भी चाहते हो कि मैं इसको पहनूं तो जल्दी से लाइक कर दो। और ये मैंने पहन लिया, वाह क्या बात है, इसे पहन के तो मजा ही आ गया। ये थोड़ा सा भारी है पर उतना ही खतरनाक है। अब मुझे टोनी के पास जाना होगा, वो कब से इन सूट का इंतजार कर रहा होगा, तो पहुंचता हूँ जल्दी से उसके पास। वाह स्पाइडरमैन, तुमने तो कमाल ही कर दिया, अब सारे सूट लेके मेरे पास आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं भी वही कर रहा था, थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। वो रहा टोनी का घर, मुझे यहाँ से दिख रहा है। जल्दी से नीचे उतरता हूँ और भाग के जाता हूँ उसके घर पे। टोनी देखो मैं सारे के सारे सूट ले आया हूँ, अब तुम इन्हें अपग्रेड कर सकते हो और वो भी अपने हिसाब से। इस बार तुम्हारे सूट कोई नहीं चुराएगा, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। वाह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझसे ये गलती हो गई थी इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ, पर तुमने सारे सूट वापस ला दिए और वो भी तुमने बहुत जल्दी किया है, मुझे तुम पर नाज है। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, अगर तुमने मुझे लोकेशन नहीं दी होती तो मैं वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाता। ये तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी है जिससे हमें सारे सूट का पता चल गया। हाँ ये बात भी है, चलो कोई नहीं, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सूट अपग्रेड करके देता हूँ, इससे पहले तुमने वैसे सूट कभी नहीं पहने होंगे। अच्छा ठीक है, तो ये रख लो, ये रहे सारे सूट। तो गाइस अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।